देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, और ये खबर बड़ी गर्म है कि मियां साहब बहुत जल्द पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे, पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे, अपने वोटर्स अपने सपोर्टर्स के दरमियान होंगे। और ये बात कही जा रही किसी और की जानिब से नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा जनाब अयाज सादिक साहब ने यह बात कही है। याद रहे माजी में भी इस तरह के काफी सारे दावे किए गए, बातें कही गई, लेकिन शायद अब सूरत हाल कुछ एतबार से मुख्तलिफ है कि इस वक्त उनकी अपनी हुकूमत है, उनका भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम हैं। उनकी साबका तौर पर यह कहा जाए कि सियासी हलीफ जमात यानी कि पीपल्स पार्टी आज उनके साथ नजर आती है, और किसी भी तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग इस पेज पर पे कहा जाए कि किसी भी तौर पर एक दूसरे से जुदा नजर नहीं आते। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी या महज ये खबर रह जाएगी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के हमारे साथ ज्वाइन करें जनाब रियाज आजिज साहब, सीनियर सहाफी तजिया कार हैं, इनसे जानेंगे कि इस खबर का असल पस मंजर क्या है। रियाज साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। रियाज साहब ये जो खबर है, और बल्कि खबर क्या है, एक स्टेटमेंट जो है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की क़यादत की जानिब से कोट किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट महज खबरों में रहने के लिए है या अब इसके ऊपर कुछ होता हुआ भी नजर आएगा? देखिए ये गुज़िश्ता रोज का इंटरव्यू है, हामिद मीर साहब इंटरव्यू कर रहे थे अयाज सादिक साहब का। उन्होंने यूं समझ लीजिए कि उनके मुंह में अल्फाज अपने डाल के अपनी मर्जी का जवाब ले लिया था, तो वो उसमें मैं समझता हूँ कि देखिये ये बात कोई पहली दफा तो कही नहीं जा रही। बिल्कुल, ये नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से मुसलसल इस तरह की बातें आती रही हैं माजी में। अब जहां तक नवाज शरीफ के मुल्क वापस आने का ताल्लुक है तो उसमें तीन चार बातें बड़ी आम हैं। उसमें सबसे ज्यादा नुमाया और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ ये एश्योरिटी चाहते हैं, ये एश्योरेंस चाहते हैं कि जब वो आए तो उनके मुकदमात खत्म हो जाए जो उनके ऊपर माजी में। ये एश्योरेंस किससे चाहते हैं रियाज साहब? ये भी तो इंटरेस्टिंग है ना कि ये एश्योरेंस कौन दे सकता है मियां साहब को? देखिए वही मैं आपसे याद कर रहा हूँ ना, आप अगर बात कंप्लीट। जी जी जी। कि वो एश्योरेंस चाहते हैं, अब एश्योरेंस कौन देगा? आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मुख्तदर हलके हैं वही आखिरी फैसला करते हैं इस मुल्क में सियासत में, अब तक की रिवायत यही रही है। अगर के उनकी तरफ से अब दावे आ रहे हैं कि हमारा अब सियासत से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है, सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो अश्योरेंसेस चाहते हैं उन हलकों की तरफ से, वो उनको अभी तक मिली नहीं है। तो जब तक वो अश्योरेंसेस उनको उन हलकों की तरफ से नहीं मिलेगी, अगर के उन्होंने अब आर्मी चीफ भी अपनी पसंद का लगा दिया है, तो आपको पता है कि यहाँ पर आर्मी चीफ उस वक्त तक सियासतदानों की तरफ देखता है जब तक वो अपने ओहदे पर बराजमान नहीं होता, और जिस दिन वो अपने ओहदे पर बराजमान हो जाता है उस वक्त वो फौज का आर्मी चीफ होता है ना, वो किसी सियासतदान का होता है ना किसी दूसरे आदमी का होता है, वो अपने इदारे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो आर्मी चीफ भी अपनी मर्जी का उन्होंने लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनको वो एश्योरेंसेस अभी तक नहीं मिली है। तो जिस दिन वो एश्योरेंस मिल जाएगी वो आ जाएंगे, उनका आने का मसला नहीं। अब तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, वहां से इंग्लैंड से उनको एक तरीके से एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि अगर मैं बहुत एहतियात से काम लूँ और मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो उनको वहां से बरतानिया से बरतानिया बदर कर दिया गया था जी, क्योंकि उनका केस वहां पे अदालत में चल रहा था, उनको यकीन था कि मैं केस हार जाऊंगा, ओवर स्टे का केस था वो, तो वो उनको मूव करना पड़ा यूरोप की तरफ, और फिर वो यूरोप से वापस होके और अब वो बाकायदा दोबारा वीजा अप्लाई किया उन्होंने, वीजा लेके दोबारा वो एंटर हो गए। अच्छा रिया साहब आपने वो यूरोप के ट्रिप का तस्करा किया, रिया साहब आपने जो यूरोप के ट्रिप का तस्करा किया, उस यूरोप की ट्रिप ने भी इस स्टेटमेंट तक पहुंचाने में मदद दी, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा था मियां साहब के ऊपर कि जब वो उनकी सेहत इस हद तक अब बेहतर हो चुकी है कि वो यूरोप का दौरा कर सकते हैं, पांच ममालिक घूम सकते हैं, तो पाकिस्तान भी आ सकते हैं, क्या ये फैक्टर भी रहा कि इस वक्त नून लीग के ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि मियां साहब की वापसी को लेकर उनके अपने वोटर सपोर्टर्स काफी ज्यादा सवालात कर रहे हैं? नहीं, वो तो क्वेश्चन तो है पार्टी के विद इन पार्टी, तो उनमें बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो अपनी मर्जी से इंग्लैंड उन्होंने नहीं छोड़ा था। अच्छा। उनको ये यकीन हो गया था कि मुझे कुछ अर्थे में निकाल देंगे, रिपोर्ट कर देंगे, तो उस हजीमत से बचने के लिए
उन्होंने यूरोप का एक ड्रामा किया, जाहिर है कि वो इस तरह सियासतदान है तो सियासी अंदाज से चीजों को लेकर चलना होता है, तो एक इम्प्रेशन ये हुआ कि वो यूरोप के दौरे पे जा रहे हैं। यूरोप के दौरे पे उन्होंने क्या जाना था, असल में तो उन्होंने वापस इंग्लैंड आना था और अपना वीजा दोबारा अप्लाई करके रिन्यू करके नया वीजा लेके थे वो इंग्लैंड में 6 महीने के लिए, कोई उनको नहीं पूछता जी। और अब तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तो उस वक्त तो उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को जब तक अश्योरेंस नहीं मिलेगी उन इदारों की तरफ से वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये बात बिल्कुल तय शुदा है। इसमें कि देखिए एक आदमी जब यहाँ से नवाज शरीफ ओ के नहीं गए थे पाकिस्तान, वो भी किसी इदारे के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, उनकी रिपोर्टें चेंज हुई है जो भी हुआ, और वो इतना उनको बीमार दिखा दिया गया कि वैसे इंटरेस्टिंग बात नहीं है रियाज साहब, आपको नहीं लगता कि मियां साहब इतने अलील थे और यकीन तौर पे हम सब उनकी सेहत के लिए दुआगो भी हैं, इस पूरे अरसे में मियां साहब रेस्टोरेंट्स में नजर आए, मुख्तलिफ जगहों पे नजर आए, तफरी मकामात पे नजर आए, लेकिन कभी भी इस पूरे अरसे में उन्होंने वहां की कोई भी मेडिकल रिपोर्ट आवाम से शेयर नहीं की, अपने वोटर से शेयर नहीं की, शायद वो कर देते, ये किया जा सकता था ना। देखिए मुनीश साहब ये तो बहुत दूर की बात है ना कि वो इंग्लैंड चले गए, जिस वक्त वो तैयारे पर सवार हो रहे थे जाने के लिए वो पूरा पूरा मैसेज दे रहे थे इमरान खान को कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने जिस तरीके से वेट किया हाथ को और जिस तरीके से वो जहाज में जाके बैठे थे उस वक्त ही पता चल गया था कि उनकी बीमारी की असल सूरत हाल क्या है, ये सब जानते थे, खुद इमरान खान भी जानते थे, और जिन उनके ऊपर ऐसा दबाव था उन इदारों का कि उनको ये कहना पड़ा कि भाई हाँ उनकी तबियत खराब है उनको जाने दो, बाद में इमरान खान अपनी बात से मुकर गया, जैसा कि उनकी आदत है कि वो यूटर्न लेते हैं हर बात में, वो बाद में मुकर गए, कहने लगे मुझे तो पता ही नहीं था और ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मुझे झूठ बोला गया और झूठ बोल के एक आदमी चला गया। और कहने गया इमरान खान नवाज शरीफ पाकिस्तान से, वो यहाँ से इदारों से तय करके गए तो चले गए, अब इदारों से तय कर लेंगे तो वापस आ जाएंगे। और आपको लगता है कि कुछ मामला तय हुए हैं तो शायद इसी वजह से अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है या इदारों को फिर से तय करने की दावत देने के लिए ये बयान दिया? हाँ ये बात आपकी, ये बड़ा नुक्ते का सवाल है आपका कि ये जो इस तरह के बयान आते हैं ना, बिल्कुल आते हैं इस तरह के बयान, वो असल में इदारों को रागब करने के लिए आते हैं, कुछ दबी दबी ख्वाहिश का इजहार था ना वो तो। हाँ नहीं बिल्कुल सही है आपकी ये बात, बहुत बहुत नुक्ते की है कि भाई ये तो बिटवीन द लाइन एक मैसेज होता है कि भाई खुदा के लिए अब तो सोचिए यार, अब तो हमारी हुकूमत है, हमने आपको आर्मी चीफ भी बना दिया, अब तो हालात क्लियर करें हमारे लिए आने के लिए। तो अदालत ने अच्छा एक चूंकि फैसल वाउडा का एक केस था, प्रेसिडेंट सेट किया गया, वो प्रेसिडेंट सेट किया गया और उसमें फिर जो उनके मुशीर हैं वजीर आजम के, पहले वो अटॉर्नी जनरल थे जी, तो कादिर साहब, तो उन्होंने ये बयान दिया है कि अब उनके उनके लिए भी हालात साजगार हैं और उनका केस भी इस तरीके से रिवर्ट हो जाएगा। तो ये है मामला पाकिस्तान में, देखिए पाकिस्तान की सियासत अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी मर्जी से चलती है उन्हीं की मर्जी से चलती। लेकिन लेकिन रियाज साहब मैं मजे की बात यह है कि जब आज से कुछ साल बाद मौर्रिक इस तारीख को लिखेगा तो मौर्रिक क्या लिखेगा कि 2022 और 23 में पाकिस्तान में जितने भी केसेस थे वो माफ कर दिए गए और जो भी केसेस थे जिस जिसके ऊपर वो सब आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते गए, शायद मौर्रिक यही लिख सकता है, इसके अलावा कोई ऐसी ठोस चीज नजर नहीं आ रही मुझे। मुनीर भाई मौर्रिक भी दो किस्म के होते हैं, आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है, एक वो मौर्रिक होता है जो दरबारी मौर्रिक होता है जी, वो अपनी मर्जी की तारीख लिखता है, एक मौर्रिक जो होता है आर्थिक मौर्रिक होता है, तो वो तारीख भी। सर मैं दरबार के बाहर वाले मौर्रिक की बात कर रहा हूँ, आपके मेरे जैसा मौर्रिक। हाँ वो जाहिर है कि वो तो जो हकीकत है वो तो लिखी जाएगी, ये तारीख के आईने में दिखाया जाएगा पाकिस्तान को। देखिए जनरल बाजवा ने जाते जाते कुछ इतराफात किए हैं, बड़े अहम एतराफ आते हैं वो पाकिस्तान की सियासत के हवाले, उन्होंने कहा कि हम 75 साल से 70 साल से जो है ना रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एतराफ है पाकिस्तान की सियासत में और ये यही तारीख है असल में। तो अब तारीख तो अपना रास्ता लेगी लेकिन दरबार, लेकिन रियासत भी इस बात को सेलिब्रेट किया जाए कि अब शायद फरवरी के बाद से कोई रोल नहीं है, या इस बात के ऊपर दुख मनाया जाए कि माजी में रोल हुआ करता था। नहीं मैं नहीं समझता कि उनका रोल कभी खत्म हुआ है। देखिए ये बयान जो था, आपने पिछले दिनों उनका इंटरव्यू सुना होगा मोने सिलाही का, और उसके बाद परवेज इलाही ने भी उसको सेकंड किया, इंडोर्स किया, कि जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि भाई आप वहां चले जाओ, तो ये तो फरवरी से बहुत बाद की बात है, ये हुकूमत का खात्मा जो है ये तो 6 महीने 7 महीने पुरानी बात है, फरवरी तो साल हो गया, 10 महीने पुरानी बात है, तो इसका मतलब है फरवरी में आप ये दावा कर रहे हैं कि आप
सियासत से अलहदा हो गए थे और दो महीने के बाद आप उनको मोनी सिलाई को मशवरे दे रहे हैं कि आप वहां चले जाए, तो इसका मतलब है आपका रोल खत्म नहीं हुआ था। और इसकी अब तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया, इसके ऊपर कोई ऐसा जवाब नहीं आया अभी तक। आज भी फवाद चौधरी का कोई बयान आप सुन लें, कोई इंटरव्यू सुन लें, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम ताकतवर हलकों की तरफ देख रहे हैं, वही असल फैसला करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज भी वही पावरफुल लोग हैं, उन्होंने ही फैसला करना है। ये सिर्फ इस तरह की, लेकिन रियाज साहब इसमें गलती किसकी है दरअसल? हमारे सियासतदानों की है, जो कि शायद खुद इतने खुद मुख्तार नहीं है, अपने फैसलों में क्लियर नहीं है, अपने मामलात में क्लियर नहीं है, तभी तो शायद उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। ये भी तो कहा जा सकता है कि गलती हमारी। मैं आपको दाद देता हूं कि आप ये सवाल रेज कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा सवाल है कि गलती किसकी है। देखिए, पाकिस्तान में सियासी जमातों को और सियासत को पनपने ही नहीं दिया गया। उन इदारों ने, उन हलकों ने, उन ताकतवर हलकों ने उनको सियासी जमात नहीं बनने दिया। हाँ, अपनी अपनी जो एक सेकंड ब्रांच है, या यूं समझ लीजिए कि अपना एक बाजू बना के रखा इदारों ने, लेकिन उनको सियासी जमात नहीं बनने दिया, जिसकी वजह से नजरियाती सियासत तो मुझसे खत्म हो गई। अब यहां पर तो मफादात की सियासत है। यही वजह है रियाज साहब के पाकिस्तान में केसेस बनते तो हैं। जुमला कंप्लीट हो, जुमला कंप्लीट जी जी। अब यहाँ पे आपको काफ लीग मिलेगी, जो किसी इदारे से बनाएगी की तरफ से बनाई गई। यहाँ आपको नून लीग मिलेगी, जिसको किसी इदारे ने बनाया। यहाँ आपको पीटीआई मिलेगी, जिसको किसी इदारे ने बनाया। यहाँ आपको जरदारी साहब मिलेंगे, जिनको किसी कोई इदारा सपोर्ट करता रहा और कर रहा है। तो अब सियासी जमाते कहाँ है? हाँ, अलबत्त ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि नून लीग में कुछ टेयर्स में नून लीग की और पीपल्स पार्टी की कुछ टेयर में अब भी बहुत पॉलिटिकल वर्कर्स, मतलब डिवोटेड पॉलिटिकल वर्कर्स मौजूद हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये नजरियाती लोग हैं, लेकिन अब वो बस आखिरी अपने सांसें ले रहे हैं, वो उनका भी बस चल चलाव है। उसके बाद जो नए लोग आ रहे हैं वो नजरियाती नहीं है, मफादात की सियासत है। तो मफादात की जब सियासत होती है तो इसी तरह का मुल्क होता है। वो फिर उन इदारों की तरफ देखते हैं, हमें बना लो, हमें वजीर आजम हाउस में पहुंचा दो, हमें वजीर आजम हाउस में पहुंचा कर ये बना दो, या ऐवान सदर में पहुंचा दो। ये पाकिस्तान में अलमिया सियासत का रियाज साहब, इसका मतलब यही कहा जा सकता है कि यही वजह हो सकती है, मैं मफरूजे के तौर पर कह रहा हूँ, कि पाकिस्तान में केसेस बनाए तो जाते हैं लेकिन कभी भी मंतकी अंजाम तक कोई केस नहीं पहुंचता, चाहे वो स्विस बैंक्स के लॉकर का मामला हो, चाहे वो एवनफील्ड का मामला हो, चाहे वो लियारी गैंग वॉर का मामला हो, चाहे वो एनएलसी के स्कैंडल्स हो, चाहे वो तोशाखाना के स्कैंडल्स हो, जो भी है केसेस बनाए जाते हैं लेकिन कोई भी केस इस तरह का शायद हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचता। देखिए मुनीर भाई, मैं आपसे अर्ज करूं कि दुनिया के किसी मुल्क में भी, दुनिया के मैं बात कर रहा हूं, किसी मुल्क में भी व्हाइट कॉलर क्राइम को साबित करना तकरीबन नामुमकिन होता है। 98% जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं वो साबित नहीं होते, यानी उस जुर्म को आप साबित नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में। आप बता तो सकते हैं कि ये भाई ये जुर्म हुआ है और ये पैसा इतना गबन हुआ है, इतना पैसा यहाँ चला गया, लेकिन उसको साबित नहीं कर सकते। देखिए, 3.5 साल इमरान खान ने कोशिश की हर चीज साबित करने की। उससे पहले 11 साल तक जर्राइन साहब जेल में रहे और वो नवाज शरीफ एंड कंपनी ने कोशिश की उनके खिलाफ साबित करने की, साबित नहीं कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जुर्म नहीं हुआ, वो हुआ है, लेकिन व्हाइट कॉलर क्राइम ऐसा क्राइम है दुनिया में जिसको साबित आप नहीं कर सकते। तो आप केसेस बना लीजिए, 1000 केसेस बना लीजिए, लेकिन आप साबित करने का जब वक्त आएगा नहीं साबित कर पाएंगे और वो कोर्ट ऑफ लॉ से बरी हो जाएगा। अच्छा, रियासा हाल ने बिल्कुल सही कहा। मेरे पास क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी तो महदूद होता है, मैं चाहूंगा एक और मौजू है उसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से ईवीएम मशीन के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया गया और वो इलेक्शन कमीशन आज ये कह रहे हैं कि हमने कभी भी ईवीएम्स के हवाले से अपने नेगेटिव तासुरात का इजहार नहीं किया। सर, इलेक्शन कमीशन आज ये बात कह सकता है तो माजी में 2 साल पहले ये बात इलेक्शन कमीशन ने क्यों ना की? देखिए, ईवीएम का मामला जो है इलेक्शन कमीशन से बालातर है। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि उस मामले में भी कोई और फोर्सेस इन्वॉल्व थी कि जो नहीं चाहती थी, या कोई ताकतवर हलके नहीं चाहते थे कि ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराया जाए ताकि उनका कंट्रोल रहे इलेक्शन के नतीज पर। अगर उनका कंट्रोल इलेक्शन, यानी उसकी मुखालफत नून लीग तो कर ही रही थी, पीपल्स पार्टी तो कर ही रही थी, उससे ज्यादा कोई और उसकी मुखालफत कर रहा था, तो इलेक्शन कमीशन बेचारा, वो जो कमिश्नर होता है वो भी तो किसी से, किसी के मरूने मिन्नत वहां बैठा होता है। बिल्कुल सही।
तो वो उनकी मर्जी के खिलाफ कैसे कोई फैसला करेगा या उनको वो कवर देने के लिए बातें करने के लिए। लेकिन आपको लगता है ये स्टेटमेंट आज दिया जा रहा है, शायद पहले दे दिया जाता, क्योंकि उस वक्त जो मुझे याद पड़ता है उस वक्त तो बड़े सारे इसमें मामलात में खराबी दिखा के कोई बहुत सारे पॉइंट्स बना के दिए गए थे कि इसमें ये खराबी है ये खराबी है। आज इलेक्शन के इतने करीब पहुंच के या इलेक्शन की अब हम बात करते नजर आ रहे हैं, इलेक्शन देखे जा रहे हैं आज से कुछ चंद माह बाद, अब ये बात कही जा रही है। अब तो ये बात इसकी वैसे भी अहमियत नहीं है, इसलिए कि वो जो उन्होंने कानून पास किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो उस ये ईवीएम को माइनस कर दिया है उन्होंने, तो अब कानूनी तौर पे वो लागू हो भी नहीं सकता जी। तो अब ये बात बराए बात है, स्टेटमेंट आप 10 दे दीजिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भी भाई इलेक्शन कमीशनर को भी कहीं कहीं जवाब देना होता है ना यार जी, तो वो बेचारा जवाब दे। बट आपको लगता है ये बयान आउट ऑफ द सडन बिल्कुल अचानक से इलेक्शन कमीशन को और कमिश्नर को एक दिन याद आया और उन्होंने बयान दे दिया, इसके पीछे भी तो कोई तो वजह रही होगी ना कि इतना बड़ा स्टेटमेंट वो आज दे रहे हैं? नहीं, उसकी वजह यही कि देखिए वो अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने तो किसी सतह पर भी रुकावट नहीं डाली, हम तो आप लाते हम करते तो हम उसको वेलकम करते। क्या ऐसा हो सकता है रुकावट डालने वाले अब मौजूद नहीं है अपने नशिस्तों पर, तो शायद इलेक्शन कमीशन ने कहा खुद को जरूर क्लियर कर लिया जाए। हाँ, अपने आप को क्लियर दे दीजिए, बात सही है आपकी, बिल्कुल माकूल बात है आपकी, उनको भी तो अपने आप को क्लियर करना है ना किसी की नजर में जी, यहाँ भी वहां भी, तो वो ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त दिया और बड़ी जबरदस्त अंदाज से आपने गुफ्तगू की, और जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है यकीनी तौर पे रियाज साहब की जो गुफ्तगू होती है उससे हम काफी कुछ सीख रहे होते हैं और एजुकेट हो रहे होते हैं, और यकीनी तौर पे नाज़रीन जिस वक्त हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं वो तमाम तर पहलुओं का जायजा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तस्वीर का रुख पेश किया जाए जो शायद अभी तक देखा नहीं गया, वो मामलात वो वजूहात जो आपको अभी तक नहीं दिखाई गई उसको सामने लाया जा सके। लेकिन ये बात प्रोग्राम के आखिर में कहना जरूर चाहूंगा कि पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को ईवीएम और इससे बेहतर सूरत हाल को इख्तियार करते हुए, बेहतर ऑप्शंस को इख्तियार करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने का जो अमल है उसको इख्तियार करना होगा। इसी से पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान में इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स होंगे तो पाकिस्तान में आवाम का इलेक्शंस के ऊपर एतमाद बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन टर्न आउट होता है, इलेक्शन डे पे जो टर्न आउट होता है वो इलेक्शन रेशियो जो टर्न आउट रेशियो होता है वो इंतहाई कम होता है, और उसकी बेस पे हमारे सियासतदान बड़ी आसानी से कह रहे होते हैं कि हमें 20 करोड़ आवाम ने, हमें 30 करोड़ आवाम ने, हमने 25 करोड़ आवाम ने हमें मुंतखब किया। वो जो आवाम सड़कों पे आई नहीं, जो घरों से निकली नहीं, आप उस आवाम को अपने खाते में कैसे डाल सकते हैं? जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट होने चाहिए अगर उसका 80% भी कास्ट नहीं होता या 50% भी कास्ट नहीं होता जनरल इलेक्शन में कई जगहों पर, तो फिर क्या वो नतीजे माने जाएंगे? और ऐसे माहौल में जब हर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की बूथ की जानिब से कुछ इस तरह की इत्तलात आए, वीडियोज आए, तस्वीर आए, और आपको याद होगा कराची में कुछ अर्सा पहले मलीर में इलेक्शन हुए और मलीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन डे के दौरान क्या कुछ हुआ, बहुत से लोग जख्मी हुए, बहुत सी वीडियोज आई, फुटेजेस आई। ऐसे माहौल में जो कैंडिडेट इलेक्ट होता है उसकी साख तो मजबूर होती है, लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस ये भी निशाने पर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में आने वाली हुकूमतें और वो जो हुकूमतों के साथ मामलात को तय करते हैं या मामलात को चलाने में हुकूमत को मुआवनत फराहम करते हैं वो तमाम तर किरदारों तमाम तर कुवतें पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कभी अपनी अनाओं को छोड़ती हुई, कभी अपने आप से बालातर होती हुई पाकिस्तान की खातिर सोचते हुए एक बेहतर निज़ाम को मजबूत दें। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान मुनीर मोमिन को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।